और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भवन पहुंचे। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य और शहर के तमाम व्यापारियों से उन्होंने चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद विवेक सेजवलकर मंच पर साथ में मौजूद रहे। साथ ही कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। इसमें प्रोफेशनल टैक्स की परेशानी को लेकर भी मांग की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में संपत्ति कर को खत्म किया जाए, ट्रांसपोर्ट में सुधार किया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से व्यापारियों ने बातचीत की। कई बहुत जस्टिफाइड मांगे मुझे लगी और व्यापारी भी हमारे साथी हैं। प्रदेश के विकास के प्रगति उनको व्यापार और उद्योग चलाने में कोई तकलीफ ना आए ये ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है। और इसलिए मैंने जो उन्होंने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की थी उनमें से कई का समाधान या तत्काल किया है और कुछ सुझाव आए थे, सुझाव पर हम चर्चा करके बातचीत करके बहुत जोर और उनके सुझाव आए हैं उनको भी क्रियान्वित करेंगे। डिटेल आपने सुन रही है, मैंने कहा है मैं व्यापारी मित्रों को बधाई देता हूँ। माननीय शिवराज जी, जैसे कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, माधव महाराज ने बताया जब विदेश गए थे और उन्होंने देखा था कि ऐसी संस्थाएं विदेश में हर देश में बनी हुई है, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारे बॉम्बे स्टेट में भी बनना चाहिए। उनका एक दूर दृष्टिकोण था जिसके आधार पर मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स उन्होंने 1906 में स्थापित किया। दूसरी बात, वर्तमान की पद्धति में भारत का विकास का पथ सुनिश्चित है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दूसरे तरफ शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य